हेलो एवरीवन, जब हमें बड़ा पाव खाना हो तो हमें कोई रेस्टोरेंट या चौपाटी चौराहे पर जा करके बड़ा पाव खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में ही इतना अच्छा बड़ा पाव बन जाता है और इतनी शुद्धता के साथ बनता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर रेडी होकर गर्मी में जाएं और बड़ा पाव खाएं। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप बेसन, साथ में डालेंगे 1/4 कप सूजी और 2 चम्मच चावल का आटा। यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम चावल का आटा ऐड कर रहे हैं और इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, छोटे वाले चम्मच का यूज करेंगे अजवाइन के लिए। और यहाँ 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से इस तरह से क्रश करके हमें इन सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देना है। अब डालेंगे स्वादानुसार नमक, नमक यहाँ मैं डाल करके अब यहाँ डालूंगी 1/8 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। और इसे बिस्कर से हम अच्छे से इक्वली मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम घोल तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे घोल बनाने के लिए, नहीं तो हमारे बेसन में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में घोल तैयार करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर घोल बना रही हूँ, एक साथ में पानी नहीं डाल रही हूँ। और इसे हमें इतना पतला बनाना है कि आराम से 1 चम्मच से ये गिरे, ये देखिए। और इसे हम ढक करके 10-15 मिनट के लिए जब रख देंगे तो ये हमारा घोल गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पानी में जब ये सूजी फूलेगी तो ये हमारे घोल को गाढ़ा कर देगी। इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक गैस पर कढ़ाई को हम चढ़ा करके गर्म करते हैं और उसमें डालेंगे 1 चम्मच कोई कुकिंग ऑयल। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसे छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे 1 चम्मच काली वाली सरसों और अब यहाँ डालेंगे डाइजेशन के लिए हींग 1 पिंच या 1/8 चम्मच छोटे वाले चम्मच से 1/8 चम्मच। और साथ में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे बड़े में। और इन सभी चीज़ों को डालकर एक बार हमें चम्मच से चला देना है, ऑयल में अच्छे से मिक्स कर देना। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट करके लिए हैं, पेस्ट नहीं लेंगे, कूटा हुआ ये बहुत ही अच्छा आता है इसका फ्लेवर हमारे बड़े में। और अब यहाँ पर उबाले हुए आलू को हम डाल रहे हैं हाथ से इस तरह से क्रश करके। यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू को मैंने लिया है और अब डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। साथ में डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है आलू के साथ। यहाँ देखिए इस स्पैचुला से मिक्स करके इसे ढक करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से और देखिए इस स्पैचुला से दबा दबा करके मैं आलू को मिक्स कर रही हूँ। और अच्छा से ये मिक्स हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर मैशर का यूज कर रही हूँ। मैशर से आलू को अच्छे से मिक्स करके हमें एकदम सॉफ्ट आलू का डो तैयार करना है। ये देखिए मैं इस स्पैचुला से दबा कर दिखा रही हूँ, कोई गुठलियाँ नहीं है, ये हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। और ऊपर से अब डालेंगे हरी धनिया की पत्ती फ्रेश बारीक कटी हुई, खुशबू के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ये। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, खट्टा खट्टा बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं। और इस आलू के डो को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए फैला देंगे। जब तक ये ठंडा होगा एक कढ़ाई को हम गैस पर गर्म करेंगे, कढ़ाई गर्म होने पर फ्राई होने के लिए इसमें तेल हम डालेंगे और तेल को गर्म करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हमें तेल गर्म करना है और एक छन्नी में इस तरह से 15-20 लहसुन की कलियों को छील करके हमें फ्राई करना है। ये देखिए लहसुन की कलियों को मैं इस तरह से झाड़े में तल रही हूँ, जिसे बराबर ये तलें हमारी लहसुन की कलियाँ, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट तेल में डाल करके तलते हैं तो कोई कोई कली हमारी जल जाती है। और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और अब ढक तलेंगे यहाँ पर हरी मिर्च। यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को बीच में चीरा लगा करके मैंने लिया है, थोड़ी सी डंडी वाली हैं और थोड़ी सी बिना डंडी वाली हैं। बिना डंडी वाली हरी मिर्च का यूज हम चटनी बनाने के लिए करेंगे और डंडी वाली हरी मिर्च का यूज बड़े में खाने के लिए करेंगे। यहाँ पर मैं हरी मिर्च को फ्राई कर रही हूँ, एक कोटिंग हो जाए ब्राउन सी। तेल हमारा गर्म है और उसमें से 1 चम्मच तेल निकाल करके बेसन में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम भजिया तलेंगे। यहाँ पर बेसन की बारीक वाली भजिया मैं बना रही हूँ, जिसे चुरमुर भी बोलते हैं।
यहाँ पे देखिए हमारी भजिया तल के रेडी हो रही है। फ्रेंड्स, आपको हम याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और ये हमारी भजिया देखिए कलर बदलने लगी है, इसे हमें इस तरह से झड़े से चलाते हुए फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो ही रखे हैं। ये देखिए हमारी ये भजिया रेडी हो गई और इसे हम छन्नी में इस तरह से निकाल लेते हैं। इसका यूज बहुत ही अच्छा होता है हमारे बड़ा पाव में। ये जब हम बड़ा पाव खाते हैं ना, चुरमुर चुरमुर करता, बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे बड़ा पाव के टेस्ट को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। और इसकी जो हम चटनी बनाएंगे वो भी हमारे बड़ा पाव के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। थोड़ी सी भजिया हम यहाँ और तल लेते हैं। थोड़ी सी भजिया का यूज हम चटनी बनाने के लिए करेंगे और थोड़ी सी भजिया का यूज हम बड़ा पाव में करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी भजिया को और तल लिया है। ये हमारी ये भजिया भी रेडी हो गई है। यहाँ पर हमारा जो आलू का मिक्सचर था ठंडा हो गया और इसका मैं बॉल्स बना ली हूँ बड़ा तलने के लिए। यहाँ देखिए आलू का बड़ा बनाएंगे बड़ा पाव के लिए। और यहाँ हमारा जो बेसन का घोल है उसमें इस बड़ा के बॉल्स को हम डीप करके कढ़ाई में डालेंगे तलने के लिए, फ्राई करने के लिए। यहाँ देखिए बेसन में डीप करके ये आलू के बॉल्स को हम डाल रहे हैं कढ़ाई में और इसे पलट पलट करके तलेंगे। लो मीडियम पे फ्लेम पर तलेंगे तो ये ऊपर का जो बेसन की जो कोटिंग है ना वो क्रिस्पी बनेगी। ये हमारी भजिया ठंडी हो गई, उधर हमारा बड़ा तल रहा है। और यहाँ हम लाल वाली चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी के जार में थोड़े से यहाँ पर भजिया को डालते हैं और साथ में डालते हैं फ्राई किया हुआ लहसुन। जो फ्राई करके हम लहसुन लिए थे ना तेल में, उस लहसुन को हम ये चटनी बनाने के लिए ही तले थे। और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, तीखी नहीं होती है, इससे हमारी चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ में डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक के साथ अब यहाँ हम डालेंगे हमारी चटनी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गीला चीज़ इसमें नहीं डालना है। और साथ में डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। यहाँ पर सूखा चटनी बनेगा ड्राई वाला। ये देखिए हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी चटनी वाले जार में हम डालेंगे 1/4 कप पुदीना, साथ में स्वादानुसार नमक। आप धनिया पत्ता का भी यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ पुदीना के पत्ते का चटनी बना रही हूँ। और साथ में डालेंगे ये फ्राई की हुई हरी मिर्च, बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये सोना सोना सा। और साथ में डाल रहे हैं 1/2 नींबू का रस लगभग 1 चम्मच और साथ में डालेंगे 1 चम्मच दही, साथ में कड़ी पत्ता 10-12 और लहसुन की कलियां। और इसे पीस करके चटनी तैयार कर लेंगे। ये हरी वाली तीखी वाली चटनी हमारी बन करके तैयार है। बड़ा के लिए हमारी चटनियां बन गई हैं, देखिए हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी, और इधर हमारा बड़ा भी बन के तैयार हो चुका है। इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल हमारा निकल जाए और हमारे बड़े भी सॉफ्ट ना हो। ये जो ऊपर से बेसन की कोटिंग है ना, अगर इसे हम डायरेक्ट किसी प्लेट में निकालते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है। और इस तरह से जब हम निकालते हैं तो ये बेसन जो हमारा क्रिस्पी रहता है और हमारे बड़े पाव के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसे एक प्लेट में निकाल रख लेते हैं छान करके और यहाँ पर बचे हुए बड़ों को भी बेसन में डीप करके कढ़ाई में डालते हैं। यहाँ पर तवा को हम गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं और पाव लेंगे और बीच में इस तरह से चाकू से दबा करके कट कर लगाएंगे। एक साइड से ही कट लगाएंगे, दूसरी साइड ऐसे ज्वाइंट रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बीच में लगाएंगे बटर। यहाँ पर मैं चाकू से बटर लगा दे रही हूँ बड़ा में ब्रेड में। ये देखिए हमारा पाव ब्रेड है और उसमें हमने बटर लगा दिया है, ऊपर से पीछे से नीचे से हर तरह से मैं ब्रेड में बटर लगा दी हूँ। और बीच में यहाँ पर मैं इमली और गुड़ की चटनी लगा रही हूँ। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और बीच में लगा रहे हैं हम ब्रेड में हरी वाली चटनी, साथ में टमाटो केचप, इसका टेस्ट बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी हम दोनों साइड इक्वली दबाकर लगा लेंगे। और यहाँ एक साइड हम लगाते हैं लहसुन की चटनी तीखी वाली लाल वाली, और एक हम यहाँ पर
आलू बड़ा लगा देते हैं, ऊपर से लगाते हैं ये चुरमुर जो हमारे बड़ा पाव के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, और एक हरी मिर्च तली हुई, और इसे हम तवा पर इस तरह से सेक लेते हैं। यह दूसरा भी हम इस तरह से सेक लेते हैं। अगर हमारा ये बड़े पाव की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसे मैं अब लगाती हूँ सर्विंग प्लेट में। ये देखिए है ना यम्मी सा हमारा बड़ा पाव। ऊपर से थोड़ा सा मैं चुरमुर डाल देती हूँ गार्निश के लिए और टेस्ट के लिए। ये हमारे बड़ा पाव के टेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। और इस तरह से बड़ा पाव बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से जब आप बड़ा पाव बना करके अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और बाहर जाने के लिए गर्मी में ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बड़ा पाव बनाना है ना आसान, कितना आसान है घर में ही बड़ा पाव बनाना। आप भी इस तरह से बड़ा पाव बनाएं और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।